अस्सलाम वालेकुम। मैं आज AM फिटनेस एंड मोटिवेशन में आपके लिए चेस्ट वर्कआउट लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि घर में आप एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, ना किसी जिम में जाने की ज़रूरत है आपको और ना ही किसी डंबल या किसी वेट की। आप जस्ट पुशअप से 3 सेट हैं पुशअप्स के, वो मैं आपको बताऊंगा, आप घर में लगाएं तो इंशाल्लाह आपको इसका ज़रूर बेनिफिट होगा। तो आए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने ख्याल ये रखना है कि जो भी सेट लगाना है बिल्कुल आराम से लगाना है और आपने जल्दबाजी नहीं करनी। तो 3 सेट होंगे, लोअर चेस्ट का होगा, मिडल चेस्ट का होगा एंड अपर चेस्ट का होगा। चलें तो आपको बताता हूँ कौन कौन से सेट हैं जो आपने लगाने हैं। तो ये सेट आपने लगाना है, आप 10 का लगा लें चाहे आप 12 का लगा लें, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपने ये सेट लगा लेना है। ये मिडल चेस्ट का सेट है जैसे मैंने लगाया, यानी कि ना ज़्यादा दूर है वाइड है और ना ही ज़्यादा ये मेरे हाथ जो हैं वो क्लोज हैं, दरमियाने हाथ हैं, दरमियाने ये ईंटें मैंने इस वजह से यूज़ की हैं ताकि आपकी चेस्ट की जो लाइन है इसके ऊपर अच्छी तरह जो है वो आपका प्रेशर पड़े, ताकि ये लाइन भी क्लियर हो और आपकी जो चेस्ट है वो भी अच्छी तरह यानी कि ग्रोथ करे। अब आपने जो दूसरा सेट लगाना है वो आप कोई चेयर रख सकते हैं पीछे या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपकी जो टांगें हैं वो ऊपर हो जाएं, ताकि आपकी ये अपर चेस्ट के ऊपर यानी कि प्रेशर पड़े और ये अपर चेस्ट आपकी बनेगी। ठीक है, तो आपने ये 10 का सेट लगा लेना है, जितना भी आसानी से आप लगा सकें। अगर ये नहीं लगते, 10 नहीं लगते, 3 लगा लें, 2 लगा लें, शुरू शुरू में आपसे कम ही लगेंगे, उसके बाद जो है आप ज़्यादा लगा सकते हैं। तो ये जो अभी सेट लगाया है ये लोअर चेस्ट का है, इससे आपकी ये लोअर चेस्ट बनेगी, तो यानी कि ये चेस्ट के अंदर खूबसूरती लाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये सेट लगाना है बिल्कुल स्लोली स्लोली, जैसे मैंने स्लो स्लो लगाए। आप ये भी 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी रोज़ाना के हिसाब से आप उतना बढ़ाते जाएँ। तो आपको ज़रूर इसका 1 मंथ के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक भी करें और कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शुक्रिया। ऐसे ही मेरी वीडियोस आती रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला आगे मैं फैट लूज़ पे भी बना रहा हूँ कि फैट लूज़ कैसे करना है, गेन कैसे करना है, वो सारा मैं वीडियो बना करके आपको सेंड करता रहूँगा, आप देखते जाएं। शुक्रिया।